ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। अच्छा, मेरा जो सबसे पहला मेरा टेलीविजन डेब्यू था, वही एक बहुत बड़ा मेरे लाइफ में करियर ब्रेक था। उस शो का नाम था ट्रुथ लव कैश। वो रियलिटी शो था जिसको चैनल बी ने टेलीवाइज किया था और एंडमॉल वॉज द प्रोड्यूसर। सो वो जो रियलिटी शो था, दैट रियली वर्क्ड वेरी वेल फॉर मी। और इतना अच्छा गया मेरे लिए वो कि उसी का सीज़न टू, मैं फिर से उसी के सीज़न टू में आया था। एंड फिर वहाँ से आई डिड अ फिल्म विच वॉज रिपोर्टेडली बेस्ड ऑन आरुषि मर्डर केस, रहस्य। वो अच्छा एक फिल्म था वायाकॉम का। फिर उसके बाद चलती रही कहानी। फिर विघ्नहर्ता गणेश में मैंने दो किरदार निभाए थे, अंधकासुर और गजमुखासुर। वो भी काफ़ी अच्छा रहा था। एंड फिर उसके बाद राधा कृष्ण में शिशुपाल का कैरेक्टर हो या अलादीन में हिबलिस का कैरेक्टर हो। फिर उसके बाद ये करते करते फिर राधा कृष्ण में शिशुपाल हो गया, और उसके बाद लॉकअप आ गया। और लॉकअप करने से पहले ही मैंने एल्बम किए थे, एक एल्बम की थी मैंने जोगन, वो हिट हो गई थी। और एक वेब सीरीज़ की थी किंग्स मैन, वो हिट हो गई। और फिर लॉकअप के बाद मुझे लीड मिला स्वराज में, यूटी रोड सिंह के किरदार पर लीड किया मैंने। और फिर उसके बाद चलती रही कहानी, गॉड इज़ बीन काइंड, सब अच्छा चलता रहा। स्वराज आपके करियर का एक बड़ा माइलस्टोन बना, थोड़ा मतलब यू नो 20 लैंग्वेज में उसको किया, और मतलब तारीफ भी बहुत हुई, और ख़ास तौर पे मोदी साहब भी उसको चाहते थे कि पर्सनली उसको दुनिया भर के लोग देखें। स्वराज मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि अगर मैंने 25-30 शोज़ किए रहेंगे तो स्वराज ही एक ऐसा रोल है जिसमें मैं हीरो बनकर आया। बाकी सभी शोज़ में मैं विलन रहा हूँ। सो जब स्वराज आए तो दे कॉल्ड मी, कॉन्टिलो से कॉल आया कि तुम हीरो हो शो के, तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ जब तक मैंने शूटिंग शुरू नहीं की। बोल अच्छा, मतलब मैं हीरो भी बन सकता हूँ। तो थोड़ा अनकंफर्टेबल था मैं, क्योंकि हीरो बन के काम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। विलन बन के काफ़ी चीज़ें हैं मेरे पास कि क्या करना है, कैसे करना है। सो स्वराज इसलिए बड़ा था क्योंकि उसको पर्सनली हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पर्सनली प्रमोट किया था उनको। और उनका इसलिए था, उन्होंने प्रमोट भी इसलिए किया था क्योंकि वो शो 20 लैंग्वेजेस में पैन इंडिया टेलीकास्ट हुआ था दूरदर्शन पर। और अभी भी मुझे खबर मिली है कि स्वराज OTT पे भी लॉन्च हो रहा है, तो उसकी शूटिंग भी हम लोग करेंगे आई थिंक विद राष्ट्रगान के साथ, और वो OTT पे जल्दी रिलीज होगा स्वराज। एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जो शो होते हैं, बड़े शोज होते हैं या जो टीवी शोज होते हैं, सीरियल्स होते हैं, उनके जो किरदार होते हैं, जैसे आपने अच्छे किरदार किए हैं एज एन एक्टर, उनको उस तरह का फेम क्यों नहीं मिल पाता है? आज के ज़माने में कोई भी रियलिटी शो का हिस्सा बनता है कंटेस्टेंट के तौर पर जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, उनको ज़्यादा फेम एक्वायर्ड हो रहा है, तो वो कितना ज़्यादा कोई इलॉजिकल या यू नो इम्प्रैक्टिकल एक आस्पेक्ट लगता है? सी, मेरे लिए एक्टिंग एक काम की तरह है, जैसे कि आपका काम है जर्नलिज्म, डॉक्टर का काम है मेडिसिन। फॉर मी एक्टिंग इज एक्टिंग आपको, और मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, मैंने अपने आपको ट्रेन किया था एक्टिंग मैंने से पहले। अब आप रियलिटी शो को एक्टिंग से कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। रियलिटी शो कैन बी गुड यू नो कि फॉर टू गेट अ इंस्टेंट फेम, टू बिकम फेमस, लेकिन उसको एक्टिंग से कंपेयर करना 100% गलत है, क्योंकि एक्टिंग से रियलिटी शो का कुछ लेना देना नहीं होता है। आपको रियलिटी शो, आपको फेमस बनना है, इंस्टेंटली ओवरनाइट स्टार बनना है, फेमस हो जाएं आप, तो रियलिटी शो इज़ गुड, गुड चॉइस। लेकिन आप बोलोगे बिकॉज मैं रियलिटी शो कर चुका हूं और मैं एक फलाना रियलिटी शो का विनर हूं तो मैं एक एक्टर बन जाऊं, चलो हो सकता है आपको किसी ने, आपका कोई गॉडफादर मदर है, किसने आपको एक्टर बना भी दिया, लेकिन क्या आप एज एन एक्टर चलोगे, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। इफ यू डोंट हैव दैट क्राफ्ट इन यू, हाउ विल यू वर्क, हाउ विल यू सस्टेन एज एन एक्टर? सो टू बिकम एन एक्टर you need to be a good actor, only then you can survive and sustain. So one more thing, when you are part of a religious show or mythological show, I mean the kind of character you are playing, you know, it enables you to have that image in the future also, that good kind of image, that religious image. So hali mein arun govind sir ka interview kehte to unhone bola ki main negative characters play nahi kar sakta kyunki you know I played the ram aur itna recognized character tha, to kitna difficult ho jata wo image conscious jo you know usse bahar nikalna, kyunki as an actor you have to play different kind of roles in the future. Dekhiye, अरुण गोविल सर का टाइम अलग टाइम था, यू नो दैट वाज अ डिफरेंट टाइम ऑल टुगेदर। आज की एरा डिफरेंट है, यू नो ये एरा में वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। इसमें सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई जानता है कि ये एक्टर है, ये इसका बैकग्राउंड ये है, इसने पहले ये काम किया था। तो अभी वैसी चीज़ नहीं रहेगी जो थी। अभी अरुण गोविल सर की बात अलग इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि उस टाइम पर तो उनको
राम का स्वरूप, श्री राम का स्वरूप ही माना जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं रह गया। अभी एक्टर, एक एक्टर ये शो में अगर राम प्ले कर रहे हैं तो कोई दूसरे शो में वो कुछ और प्ले कर रहे होंगे। सो अभी ऐसा रह नहीं गया है, और अभी हर एक्टर बहुत स्मार्ट हो गया और बड़ा डायनामिक हो गया, वर्सेटाइल हो गया है कि एक्टर हो उसको रेडी रहना पड़ता है कि मुझे इसके लिए भी रेडी रहना है, इसके लिए भी रेडी रहना है। तो अभी वो इमेज इतना बॉदर नहीं करता है जो 70s और 80s में करता था। बट वाई सो कि अगर कोई एक्टर टेलीविजन में बहुत अपॉर्चुनिटीज है उसको, उसका नाम फिट रहता है, फिल्म्स में ऑफर मिलना क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि काफ़ी कम ही लोग जो टीवी से यू नो फिल्म्स में, बड़ा नाम शाहरुख सर हैं, इरफान सर थे, सुशांत था, काफ़ी मतलब कम लोग हैं जो इस्टेब्लिश हो पाए फिल्म इंडस्ट्री में, ऐसा क्यों होता है? अभी ऐसा क्यों होता है, आपके सवाल में जवाब था, आपने सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिया। यू नो ही केम फ्रॉम टीवी एंड he made such a, you know, he was so successful. It was unfortunate that we lost him. Otherwise, अब वैसा time नहीं रह गया है bro. अभी क्या हो गया है कि we live in a OTT platform. अभी OTT और TV और फिल्म सब एक ही हो गया। अभी आप वेब सीरीज़ देखो, तो मैंने तो वेब सीरीज़ भी की है, तो मैं अभी ये नहीं बोल सकता हूँ कि TV का ट्रीटमेंट अलग है वेब सीरीज़ का, सबका ट्रीटमेंट अभी लगभग ऑलमोस्ट एक जैसा हो रहा है। आई एम क्वाइट श्योर यू मस्ट बी नोइंग एनिमल वॉज मेड, दी एंटायर मूवी वॉज मेड जस्ट इन 100 days. सो अभी ऐसा कुछ नहीं रह गया। अभी आप इफ़ यू आर गुड इनफ टू फिट इन अ कैरेक्टर, ऐसे देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि सभी TV एक्टर्स सिनेमा में या मूवीज़ में हिट हो गए या दे बिकम मूवी स्टार्स, लेकिन ऐसे बहुत सारे TV एक्टर्स हैं हु आर डूइंग वेरी वेल इन फिल्म्स एंड इन OTT प्लेटफॉर्म्स, इन द वेब सीरीज। सो अभी एवरीथिंग इज बिकम यू नो वेरी कॉन्क्रीट, मतलब क्या बोलेंगे उसको, कि सब कुछ बड़ा ही कंपोज हो गया है और एक बलून बन गया है जिसमें सभी हैं। तो अभी वो बोलना बहुत गलत रहेगा कि ये TV का ही है या वेब का ही है, ये माइथो का ही है, सोशल का, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अच्छा ऑडिशन दिया है तो क्यों नहीं, लाइक इफ़ यू सी सो मेनी एक्टर्स, में सब इतने नाम लूँगा तो 2 दिन चले जाएंगे जिन्होंने TV से फिल्म में बहुत अच्छा यू नो दे हैव mark their presence. Lastly, I want to ask, do you think Munawar was the right choice for being the winner for Dhoka? Because yes, the past controversy he have done and cheap publicity stunt, whatever he have done, was not justified. And in today's time, you know, आज के ज़माने में बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ये होता है कि कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर दो किसी भी तरह, यू नो दे वॉन्ट टू अटेंड फेम, तो वो माइंडसेट कहाँ तक आपको लगता है कि गलत है? सी, मैंने पहले भी कहा था और मैं अभी भी कहता हूँ, आई विल नॉट चेंज माई नैरेटिव। मैंने पहले भी कहा था कि फारूकी हो सकता है ही इज़ अ गुड कॉमेडियन, बट मैंने पहले भी कहा था ही इज़ अ ओवर रेटेड प्लेयर, और जितना मेरे साथ उसने, मतलब हम जो थे लॉकअप में, सो आई टोल्ड दिस टू कंगना इन प्रेजेंस ऑफ फारूक इन द ग्रैंड फिनाले कि कोई भी जीते फारूकी को नहीं जीतना चाहिए। बट मैंने सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा था, बिकॉज दैट टाइम आई फेल्ट कि ऐसा कोई बात तो है नहीं जो एक लॉकअप फॉर्मेट में देखनी चाहिए थी, ऐसी कोई बात तो थी नहीं। और हो सकता है ही इज़ अ गुड कॉमेडियन, मैं तो जानता नहीं था उसको लॉकअप में जाने से पहले। मुनीत जी, मेरा एक सवाल है आपसे। पहले लोगों में एक भ्रम था कि TV एक्टर है हीरो है, यानी हीरो है। रियलिटी शोज के आने के बाद से ये जो भ्रम टूट चुका है, लोगों के अलग अलग शेड सामने आ रहे, ये कितना अच्छा या कितना गलत मानते हैं आप? देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक्टिंग भी एक काम है। पहले वो था कि सिर्फ हम एक्टर्स को स्टार्स बोलते थे, अब वो भ्रम तो टूट गया है, अभी जो भी फेमस है वो स्टार बन जाता है। सो एक्टर का एक्टिंग एक काम होता है, और वो उस फिल्म या वो TV शो तक ही रहता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो एक्टर है या हीरो है किसी चीज़ में तो वो रियल लाइफ में भी हीरो, नो नॉट नेसेसरी। फिल्म हो या TV शो हो, आपको एक स्क्रिप्ट दी गई है, आपको आपका डायरेक्टर एक्सपेक्ट करता है कि आपको वैसी एक्टिंग करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप रियल लाइफ में भी हीरो। और सही बात है, हमने देखा भी है जो लोग रियल लाइफ में हीरो बन के आते हैं, तो आप देख लीजिए वो सबके सब रियल लाइफ में हीरो नहीं होंगे, नॉट नेसेसरी। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन असलियत तो आप जानते हैं कि जो ऐसे हीरो बनते हैं वो रियल लाइफ में कितना हीरो होते हैं। तो ओके, अगर मैं श्रीमद् रामायण की बात करूं, सो ट्रस्ट मी, इट इज़ अ बिग 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 थिंग विच इज़ गोइंग टू कम ऑन TV ऑन 1st January, 9 PM ऑन सोनी TV। ट्रस्ट मी, इट्स अ मैग्नम ऑपस। वो आज से पहले ऐसा रामायण
आपने नहीं देखा होगा। इस रामायण में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो आज से पहले दर्शाए नहीं गए थे टीवी पर। और जैसे कि मैं अपने कैरेक्टर का अगर बात करूं, तो जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूं, आज से पहले आपने उस कैरेक्टर को टीवी पर नहीं देखा होगा। तो मैं प्ले कर रहा हूं सामरासुर, और ट्रस्ट मी, मैं शो ओपन करूंगा एज द फर्स्ट विलन ऑफ द शो ऑन 1st January। और इस श्रीमद् रामायण की बात इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इसका हिस्सा मैं हूँ। वो शो प्रोड्यूस कर रहे हैं स्वास्तिक प्रोडक्शंस, जिनका माइथो में बहुत हाथ बहुत अच्छा है, और जो हिसाब से सोनी टीवी उसको प्रमोट कर रही है, और जो हिसाब से उसकी रिसर्च टीम है, और जैसे मैंने कहा कि ऐसी बहुत सारी अनसुनी कहानियाँ जिसको दर्शाया नहीं गया है, वो सब आपको श्रीमद् रामायण में देखने मिलेगा। Thank you.